Hello guys, my name is AJ and you're watching Wrestle AJ. So guys, जैसे कि आपको पता रहेगा कि हमको ठीक दो हफ्तों में दिखने वाला है WWE का Survivor Series 2024 का प्रीमियम लाइव इवेंट। जैसे कि आप सबको पता रहेगा कि गाइस ये कोई छोटा मोटा प्रीमियम लाइव इवेंट नहीं होने वाला है, क्योंकि गाइस जो WWE है गाइस उन्होंने बहुत ही बड़े बड़े मैचेस अनाउंस किए हैं ये प्रीमियम लाइव इवेंट के लिए। और गाइस ये जो प्रीमियम लाइव इवेंट होने वाला है Survivor Series 2024 गाइस, ये WWE का प्रीमियम लाइव इवेंट होने वाला है ये साल का, तो डेफिनेटली गाइस धमाके तो बहुत ही फूटने वाले हैं। अभी गाइस थोड़ा वीडियो चालू करने के पहले, यानी प्रीव्यू देने के पहले, मैं आपको थोड़ा सा एक साल पहले लेके जाता हूँ Survivor Series 2023 में, जहाँ पे WWE ने बहुत ही बड़े बड़े दो धमाके फोड़े थे, जहाँ पे हमको दो बड़े रिटर्न्स दिखे थे, जहाँ पे हमारे द वाइपर रैंडी ऑर्टन एंड द बेस्ट इन द वर्ल्ड CM Punk ने रिटर्न किया। तो क्या पता ये साल भी Survivor Series में हमको कुछ रिटर्न्स देख सकते हैं। सो गाइस पूरा डिटेल जानने के लिए ये वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप लोग Survivor Series 2024 का प्रीमियम लाइव इवेंट देखने वाले हो और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। गाइस ब्रैड एमवेस के नंबर 3 पे हम लोग बात करने वाले हैं, जो कि होने वाला है एक बहुत ही बड़ा WWE का वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मैच, जहाँ पे जो कि हमारे करंट WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन द रिंग जनरल द किंग ऑफ द रिंग गंतर गाइस हमको उनके चैंपियनशिप डिफेंड करते हुए देखने वाले हैं अगेंस्ट डेमन प्रीस्ट। अभी डेफिनेटली गाइस जो मैच है बिटवीन डेमन प्रीस्ट एंड गंतर, ये बहुत ही मजेदार तो होने ही वाला है, लेकिन गाइस मुझे ऐसा लग रहा है कि मैच में गाइस हमको कोई टाइटल चेंज तो दिखने ही नहीं वाला है। और इसका रीजन है कि गाइस आपको पता है कि इसके जो गंटर है गाइस उनके लिए बहुत ही बड़े बड़े मैचेस रूमर है इन द कमिंग फ्यूचर। जैसे कि गाइस गंटर का जो एक बहुत ही बड़ा रूमर मैच है वो ब्रॉक लेजर के अगेंस्ट भी है, फिर जॉन सीना के अगेंस्ट भी उनका नाम आ रहा है, और गोल्डबर्ग के अगेंस्ट भी उनका मैच आ रहा है, जहां पे बैड ब्लड में वो मैच टीज भी किया था। तो इसलिए गाइस चांसेस बहुत ही अच्छे खासे है कि गंटर हमको एटलीस्ट थोड़े समय के लिए उनकी चैंपियनशिप हारते हुए नहीं देखने वाले है। इसलिए मैच में हमारे जो कि गंतर है गाइस डेमन प्रीस्ट को हराते हुए देखने वाले हैं और सक्सेसफुली उनकी WWE की वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप रिटेन करते हुए देखने वाले हैं Survivor Series 2024 में। गाइस एक पॉसिबल एंगल ये देख सकते हैं मैच में कि जो कि हमारे फिन बैलर है गाइस वो हमको कॉस्ट कराते हुए देख सकते हैं डेमन प्रीस्ट को यह मैच गंतर के अगेंस्ट। गाइस नंबर 2 पे हम लोग बात करने वाले हैं, जो कि होने वाला है एक बहुत ही बड़ा अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच, जहाँ पे जो कि हमारे करंट अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन कोडी रोड्स से गाइस हमको उनकी चैंपियनशिप डिफेंड करते हुए टिकने वाले हैं अगेंस्ट द प्राइस फाइटर केविन ओवेंस। जैसे आपको तो पता है कि केविन ओवेंस ने उनका हील टर्न किया था बैड ब्लड के प्रीमियम लाइव इवेंट के बाद, तभी कोडी रोड्स ने रोमन रेंज के साथ टीम अप किया था, जिसको रोमन रेंज, जो कि आपको पता है कि केविन ओवेंस बहुत ही हेट करते हैं रोमन रेंस और द ब्लडलाइन को, और ये गुस्से के वजह से केविन ओवेंस ने पिटाई की कोडी रोड्स की। और जैसे ही गाइस ये पिटाई होती है तो फिर रैंडी ऑर्टन की भी पिटाई होती है नेक्स्ट एपिसोड के स्मैकडाउन के ऊपर, और फिर अभी रैंडी ऑर्टन का तो उन्होंने सर ही फोड़ दिया है स्मैकडाउन के रिसेंट एपिसोड में, और जिसकी वजह से अभी कोडी रोड्स भी पूरे भड़क गए तेरी हिम्मत कैसे हुई रैंडी ऑर्टन को इंजर करने की। और इसलिए गाइस हमको इनका मैच Survivor Series में होते हुए देखने वाला है, और गाइस पॉसिबली चांसेस बहुत ही हाई है कि ये मैच में गाइस हमको टाइटल चेंज होते हुए देख सकता है और केविन ओवेंस गाइस हमको जीतते हुए देख सकते हैं WWE की अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप। गाइस वो मेन रीजन निकल के आ रही है क्यों गाइस हमको केविन ओवेंस जीतते हुए देख सकता है ये चैंपियनशिप गाइस, वो ये है कि जो कि हमारे केविन ओवेंस है गाइस उनका जो WWE का कॉन्ट्रैक्ट है गाइस वो जल्दी एक्सपायर होने वाला है, और जिसे गाइस आपको पता है कि जो केविन ओवेंस है गाइस वो 2017 से एक बार भी वर्ल्ड चैंपियन WWE में बने हैं नहीं, जिसके वजह से थोड़े चांसेस बन रहे हैं गाइस पॉसिबली केविन ओवेंस हमको नई डील जो है WWE के साथ साइन करते हुए ना दिखे। इसलिए गाइस पॉसिबली WWE केविन ओवेंस को एक शॉर्ट WWE चैंपियनशिप का रन देते हुए देख सकती है Survivor Series में। गाइस केविन ओवेंस हमको कोडी रोड्स को हरा के जीतते हुए देख सकते हैं अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप, और फिर एक बार में सैटरडे नाइट मेन इवेंट में वो चैंपियनशिप हारते हुए भी देख सकते हैं कोडी रोड्स को, जो कि एक बहुत ही बड़ा सिनेरियो बन सकता है कमिंग फ्यूचर के लिए।
बिकॉज नंबर वन पे हम लोग बात करने वाले हैं शो के मेन हाईलाइट, शो के मेन इवेंट मैच के बारे में, जो कि होने वाला है अ सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स मैच, जब एक टीम में हमको दिखने वाले हैं सोलो सुकोवा वाली ब्लड लाइन, जिसमें खुद हमारे ट्राइबल चीफ सोलो सुकोवा होने वाले हैं, उनके साथ होने वाले हैं जैकब फाटू, टामा टोंगा, टोंगा लोवा एंड ब्रॉन्सन रीड, और ये लोग हमको फेस करते हुए दिखने वाले हैं रोमन रेंस वाली ओरिजिनल ब्लड लाइन को, जिसमें हमको होते हुए देखने वाले हैं खुद रोमन रेंस, जे उसो, जिमी उसो, सैमी जेन और जो पॉसिबली फिफ्थ मेंबर हो सकते गाइस, वो हमको होते हुए देख सकते हैं पॉसिबली हमारे द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेजनर। अभी डेफिनेटली नाम तो बहुत आ रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे कि वो नाम हमको पॉसिबली होते हुए देख सकता है हमारे डीन एम्ब्रोस, आपको पता है कि डीन एम्ब्रोस दुनिया में है नहीं, और कुछ लोग तो बोल रहे हैं पॉसिबली हमको नाम होते हुए देख सकता है सेड फ्रिकन रॉयल्स का, वो भी देख के लग नहीं रहा है। तो इसे पॉसिबली जो कि पॉल हेमन, जो कि रोमन रेंस के वाइज मैन है गाइस, वो हमको सीएम पंक नहीं तो ब्रॉक लेजनर को लाते हुए देख सकते हैं ये मैच में एज द फिफ्थ मेंबर ऑफ दिस वॉर गेम्स मैच। अगर पॉसिबली चांसेस ये भी बनते कि मैच के बाद गाइस हमको हमारे द रॉक भी रिटर्न आते हुए देख सकते हैं, और की बात करें तो गाइस चांसेस बहुत ही हाई है कि हमको जो कि रोमन रेंस वाली ब्लड लाइन है गाइस वो ही जीतते हुए दिखने वाली है। अगर जर आपको ये वीडियो पसंद आई तो कृपया करके कीजिए ये वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। और प्लस अगर जर आपको हमारे चैनल के सब वीडियोस और अपडेट सबसे पहले चाहिए तो कृपया करके हमारे बेल आइकन को भी दबा के रख लीजिए, जिससे कि आपको सब अपडेट्स और वीडियो सबसे पहले नोटिफिकेशन में आ जाए।